मकर संक्रांति पर नॉर्मली सबके घरों में हरी मूंग की दाल के मंगोड़े बनते ही हैं। इस मकर संक्रांति पर चलिए कुछ नई तरह की एक रेसिपी ट्राई करते हैं, लोबिया और हरी मूंग की दाल के मंगोड़े। इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं लोबिया और हरी मूंग की दाल के मंगोड़े। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चटपटे मुंगोड़े के साथ सर्व करने के लिए चलिए सबसे पहले हरी धनिया की चटपटी हरी चटनी बनाते हैं। इसके लिए हमने एक कप कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको हमने मोटा काट लिया। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर, इसको भी हमने थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लिया जिससे कि पीसने में आसानी हो। 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच भुना पिसा जीरा लिया है हमने, काला नमक लिया है 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा हींग पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच, स्वाद के हिसाब से नमक लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम एक फाइन पेस्ट बनाकर चटनी का तैयार कर लेते हैं। चटनी पीस के तैयार हो गई है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। चलिए अब स्पेशल मंगोड़े बनाते हैं। इसके लिए हमने 1/2 कप लोबिया, सूखा लोबिया जिसको चौली भी बोलते हैं, वो लिया है, और 1/4 कप हमने छिलका वाली हरी मूंग की दाल ली है। दोनों को पहले हम अच्छी तरह धोकर 6 से 7 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। दोनों चीजें अच्छी तरह भीग गई हैं, लोबिया भी अच्छी तरह भीग गया है और हरी मूंग की दाल भी भीग गई है। अब हम इसका पानी निकालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस मिक्सर जार में हमने चटनी पीसी थी उसी मिक्सर जार में हम ये लोबिया और दाल को पीस लेंगे। कोशिश करेंगे पानी डालना ना पड़े और अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-1, 2-2 चम्मच करके हम पानी ऐड करेंगे। एक चम्मच साबुत जीरा डालते हैं मिक्सर जार में दाल के साथ, थोड़ी सी हींग पाउडर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा रहेगा, ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इतनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसको अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। दाल को चम्मच से 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले मिलाते हैं। 3 से 4 कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 1/2 कप के करीब हमने ऐड किया है, इसमें कटी हुई हरी मेथी, बारीक कटी हुई हरी मेथी है ये, इसको ऐड करेंगे। और सब चीजों को हाथ से अच्छी तरह हम मिला लेंगे जिससे कि दाल में सब चीजें अच्छी तरह मिल जाएं। दाल में सब चीजें अच्छी तरह मिल गई हैं। चलिए अब हम साथ साथ मंगोड़े फ्राई करने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में मीडियम आंच के ऊपर तेल को गरम कर लेंगे। हाथ से एक एक करके दाल के मंगोड़े कढ़ाई में डालते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे जिससे कि मंगोड़े अच्छी तरह सिक जाएं।
मंगोड़े अपने आप ही तल के ऊपर आ जाएंगे, तब हम इसको पलट देंगे। मंगोड़ों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। मंगोड़े अच्छी तरह सिक के तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी लोबिया और हरी मूंग की दाल के मंगोड़े बनके तैयार है। इसको हमने हरी धनिया की चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व किया है। रेसिपी को आप ट्राई जरूर करिएगा इस मकर संक्रांति पे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा, सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।